आप देख रहे हैं बीआरजे टीम जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ योगेश्वर पासवान। अभी हम उपस्थित हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य के चेयरमैन अंजू देवी के पति वैद्यनाथ यादव के पास, इनके आवास पे। आइए सुनते हैं, इन्होंने पिछले चुनाव में जब जीत हासिल की थी उस दरमियान इन्होंने अपने क्षेत्र में जनताओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या किया और आगे इस बार बिहार पंचायत चुनाव में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला परिषद सदस्य से, इस पर क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। आपका स्वागत है बिहार जीती हुई। देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष का पद जो है वो प्रत्यक्ष रूप से विकास के लिए वो नहीं करती है और न प्रत्यक्ष रूप से उसका विकास दिखता है, लेकिन जिला के अंदर जो भी विकास कार्य होता है वो जिला परिषद के अध्यक्ष के संज्ञान में और उनके माध्यम से कार्यान्वित होता है, जिसमें उसकी कहीं न कहीं भूमिका रहती है और उसी भूमिका के तहत क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा, अन्य मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए, स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हुआ, सभी तरह के काम में कुछ न कुछ सहयोग रहा और उस क्षेत्र के लिए भी अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए प्रयास रहता है। जी, तो इस बार जो आप बिहार पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो इस बार आपकी क्या प्राथमिकताएं रही थी? देखिए, इस बार सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है। जो भी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए काम किया जाएगा और बचे हुए शेष का जो सरकार से कार्यान्वित होती है और उसको जो निचले स्तर पर कार्यान्वयन करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है उस सबों को समेकित करके पूर्ण विकास का प्रयास किया जाए। जी, इस पिछले दो साल से कोरोना काल में आपने जनताओं के लिए क्या किए हैं? देखिए, कोरोना काल में चूँकि लॉकडाउन में बहुत लोग की उपस्थिति नहीं रही, लेकिन जहाँ भी क्षेत्र में आवश्यकता जिन चीज़ों की पड़ी, चाहे दूरसंचार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से सहयोग करने का हुआ वो हम लोग किए और जहाँ भी कोई ऐसी सूचना मिली कि यहाँ आवश्यकता है एम्बुलेंस हो, दवा हो या मेडिकल टीम की, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जितना भी मजदूर लोगों का बाहर से आना हुआ उसको गंतव्य स्थल तक पहुँचाने, उनको सहयोग करने में भूमिका रही। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए बिहार की जनता।